हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के काम करते करते हम लोग इतना थक जाते हैं कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। बस ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ जिससे आप अपने लिए समय भी निकाल सकेंगी और घर के सारे काम भी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप ऑल आउट को लेकर के है। घर में इस तरह की मशीन सभी लोगों के घर में होती है और जब इसकी रिफिल खाली हो जाती है तो इसकी मशीन मतलब कि हम लोग के घर में पड़ी रहती है। तो यहाँ पे मैं इसका बहुत ही अच्छा यूज करूंगी। इस समय बरसात का टाइम है और नमी ऐसी घर में रहती है। तो यहाँ पे मैं देखिए कपूर का टुकड़ा लिया है। इस आप लोग इस तरह का कपूर लीजिएगा, जो बाजार में छोटे पैकेट वाला कपूर मिलता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ये धागे वाला कपूर है तो ये अच्छा होता है। जो इसकी स्मेल होती है बहुत ही अच्छी होती है, एकदम भीनी भीनी खुशबू होती है। तो यहाँ पर बस इसका इस्तेमाल हम लोग ये ऑल आउट वाली मशीन में करेंगे। जिस जगह हम लोग रिफिल लगाते हैं मशीन की मच्छर भगाने वाली, तो उस रिफिल को निकालने के बाद हम लोग इस तरह इसमें कपूर को सेट कर देंगे। इससे जब हम लोग अपने रूम में लगाएंगे, जहां हम लोग लेटते हैं या हम लोग जहां पर भी बैठते हैं वहां पर इस तरह से लगा देंगे, तो जो इसकी खुशबू है तो वो चारों तरफ फैल जाएगी। जो निगेटिविटी है वो भी बिल्कुल चली जाएगी और बहुत ही अच्छा फील हम लोग को होगा। और जब हम लोग इसको लगाएंगे तो अपने रूम के पर्दे बंद कर दीजिएगा। थोड़ी देर बाद खोलने के बाद देखेंगे जितने मच्छर मक्खी हैं वो सब बिल्कुल रूम से बाहर चले जाएंगे। ये बहुत ही यूजफुल है, आप लोग यूज करके देखिएगा। मेरी अगली टिप कुकर को लेकर के। अक्सर हम लोग जब घर में खाना बनाते हैं, सब्जी बनाए या चावल बनाए, तो मैं यहाँ पे चावल बना रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 सीटी लग जाती है और हम लोग को उसको निकालना पड़ता है। तो हम लोग अगर ऐसे निकालते हैं तो हम लोग का कुकर खराब हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग किचन टॉवल लेंगे, उसको एक ठंडे पानी से अच्छे से भिगो लेंगे और उसके बाद जिस कुकर में खाना बना हुआ उसी के ऊपर हम लोग सीटी के पास इस तरह से रख देंगे। इससे ये होगा जो भी सीटी इसकी जो भरी होगी, जो गैस भरी होगी इसमें, सब धीरे धीरे निकल जाएगी और कुकर बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। करीबन आप लोग इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिएगा, 10 नहीं कम से कम 5 मिनट के लिए तो छोड़िए। इससे जितनी भी इसमें सीटी भरी होगी वो निकल जाएगी और हम लोग का काम भी फटाफट हो जाएगा। बहुत ही यूजफुल टिप्स है। मेरी अगली टिप्स, अक्सर हम लोग के घर में बहुत सारे काम होते हैं और दिन भर हम लोग काम करते रहते हैं और अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब रात में सोकर सुबह उठते हैं तो जो पैर के तलवे होते हैं और ऊपर अंगूठों के पास बहुत दर्द होता है, हम लोगों को चलने में भी तकलीफ होती है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी टिप लेकर के आई हूँ। हम लोग एक बोतल लेंगे बिल्कुल ठंडे पानी के, जो फ्रिज में लगी होगी, तो हम लोग उसी ठंडी बोतल के ऊपर अपना पैर रख के इस तरह से बोतल को आगे पीछे करेंगे। इससे हम लोग के अच्छे से पैरों की मसाज भी हो जाएगी, एक्सरसाइज ही समझ लीजिए। तो हम लोग को पैरों को बहुत ही आराम मिलेगी और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हम लोग का अच्छे से हो जाएगा और जितनी थकान पैरों में है वो भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो आप लोग इस टिप्स को यूज करके देखिएगा। रात भर तो हम लोग आराम करते हैं तो उसी जो रात भर के दिन भर काम होते हैं, और रात में जब आराम करते हैं तो सुबह हम लोग के पैरों में इसी तरह दर्द होता है। जब भी आपके पैरों में दर्द हो तो आप इस टिप को जरूर यूज करिएगा। मेरी अगली टिप, घर में बहुत से छोटे पाउच वगैरह ऐसे होते हैं, हल्दी के पैकेट और धनिया पाउडर, मैदा, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके हम लोग थोड़ा यूज करके फिर फ्रिज में इसको रख देते हैं और ये काफी स्पेस ले लेती हैं, जिससे फ्रिज में हम लोग को बोतल वगैरह रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं क्लोथ पिन लूंगी और इस तरह से जैसे पीछे हम लोग के जो और भी सामान है वो आ भी जाएंगे, और क्लोथ पिन से अपने जो धनिया पाउडर है, जो भी पाउचेस वगैरह है, सारे हम लोग इस तरह से, ये देखिए जो आगे जिस बॉटल जिसमें हम लोग पानी रखते हैं फ्रिज में, उसी में इस तरह से क्लोथ पिन की सहायता से जितने भी पैकेट हैं अच्छे से अटैच कर देंगे। ये बिल्कुल गिरते भी नहीं है और इस तरह से हम लोग का काफी स्पेस बच जाता है फ्रिज में, जिससे हम लोग अदर सामान भी रख सकते हैं उसमें और अच्छी तरह से काफी सामान भी आ जाता है और ये पैकेट अपनी अपनी जगह आराम से लगे भी रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग की स्पेस की बचत भी हो जाती है, सारे सामान भी अच्छे से आ जाते हैं और ये बिल्कुल खराब भी नहीं होते हैं और ना ही जल्दी गिरते हैं। जब भी हम लोग को यूज करना होगा क्लोथ पिन निकाल के चीजें इस्तेमाल करने के बाद फिर से इसी फ्रिज में लगा देंगे। आप लोग इसी तरह करके देखिएगा तो आपको बहुत ही यूजफुल लगेगी। मेरी अगली टिप, अक्सर हम लोग के पास इस तरह की साड़ियां होती हैं, कम से कम 5 या 6 महीने में हम लोग को इस तरह की साड़ियां खोलकर देख लेनी चाहिए ताकि ये खराब ना हो, और बहुत ही कम यूज करते हैं और इनको अगर ढंग से ना तहा के रखें तो ये काफी स्पेस भी ले लेती हैं। तो हम लोग को धोती इस तरह से तहा के रखेंगे तो ये कम स्पेस लेंगी और जगह भी हम लोग की अलमारी में काफी बच जाएगी। तो यहाँ पे मेरी कुछ धोतियां थी जिनको बहुत कम यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैंने उनको अच्छे से फिर से तहा दिया है। और जो इन लोगों के पेटीकोट होते हैं
तो मैंने उसको भी इस तरह से तहाया है कि ये काफी स्पेस ना ले, और जब हम लोग को कहीं जाना होता है तो इसको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। मैं धोती में इसी तरह बीच में करके इसको रख देती हूँ, जितने भी धोतियाँ हैं और उनके अटैच के जो भी पेटीकोट होते हैं, इससे ये चीजें हम लोग को समय पे मिल जाती हैं, हम लोग का टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। सारी जितनी भी साड़ियां हैं मैं इसी तरह से रखती हूँ। आप लोग इस तरह से जब रखेंगे तो काफी स्पेस हम लोग की अलमारी में बच जाएगी। मेरी अगली टिप, अक्सर हम लोग के अलमारी में कुछ इस तरह के सूट होते हैं या साड़ियां होती हैं जिनका हम लोग बहुत ही कम यूज करते हैं और पहनते भी नहीं है, तो हम लोग को करीबन 5 या 6 महीने में अपनी अलमारी को इस तरह से चेक कर लेना चाहिए कि कुछ इस तरह के सूट पड़े हों जिसको हम लोग बिल्कुल पहनते नहीं है, तो किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं वो पहन ले। और कुछ ऐसे सूट होते हैं जिनको किसी देने लायक भी नहीं होते, या तो हम लोग उसका रीयूज कर लें, या तो फिर बर्तन बेचने वाले होते हैं तो उनको बेचकर हम लोग बर्तन भी ले सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से अपने कपड़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरी अगली टिप, मैं यहाँ पे बना रही हूँ कोफ्ते की सब्जी, लौकी के कोफ्ते जो बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल अपने अदरक लहसुन प्याज मिर्चा का पेस्ट बनाया जिसको मैं भूंज रही हूँ, और इसको भूजने के बाद मैं यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करूंगी। जैसे भी आपको जो भी मसाले पसंद हो आप लोग ऐड कर सकती हैं। जब ये अच्छे से हो जाएगा तो मसाले ऐड करने के बाद करीबन 5 मिनट के लिए हम लोग और पकाएंगे इसको। और यहाँ पे मैं कुछ आपको टिप दूंगी जिससे जो हम लोग के कोफ्ते की सब्जी है जिसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी और स्वाद भी कई गुना मतलब बढ़िया होता है। इसको करीबन 5 मिनट पकने के बाद सारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने कोफ्ते तैयार कर लिए थे पहले से, और यहाँ पे इसकी सब्जी बहुत ही अच्छा खाने में लगे कोफ्ते की। तो यहाँ में मैंने डाला 1 चम्मच मलाई, ताजी मलाई डाली है, और 1 चम्मच दही, और मैं इसको अच्छे से करीबन 5 मिनट के लिए भूंजूंगी। आप लोग जब इस मलाई 1 चम्मच मलाई और 1 चम्मच दही डालेंगी तो आप जब पूरी सब्जी बनके तैयार होगी तो ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। आप लोग इस तरह एक बार बना के जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये सब्जी आप लोग इस तरह बनाएंगे, इसको आप लोग अच्छे से भूंज लीजिएगा, आपको बंद नहीं करना, बस 5 मिनट के इस तरह से अच्छे से भूंजेंगी। और उसके बाद जो भी जितनी भी आप लोगों को ग्रेवी रखनी है उतनी ग्रेवी आप इसमें डालेंगे, मतलब पानी। तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं रखूंगी और हम लोग पानी वही डालेंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से पक गया है, जिससे हम लोगों ने पकौड़ियां बनाई थी उसका कुछ पानी नीचे रहता है, तो बस उसी में मैंने थोड़ा पानी और ऐड करके मैंने इसकी ग्रेवी तैयार करूंगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा पानी और ऐड करूंगी, फिर पानी को अच्छे से बॉयल होने दूंगी। और यहाँ देखिए कोफ्ते डालने के बाद मेरी सब्जी अच्छे से तैयार हो गई है। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ।